अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज फाइनली वो फॉर्म अटेस्ट करवा लिया जो कल नादरा वालों ने हमें दिया था। अभी गनियर में जा रहे हैं, वो वाला फॉर्म सबमिट करवाना है। आज हमारा काम भी थोड़ा सा है और हमें मेन जो ऑफिस है वहाँ जाना भी नहीं है, बाहर ही इनका साइड पर एक ऑफिस है, जस्ट वहाँ पर हमने फॉर्म सबमिट करवाना है। तो बस जाते हैं फटाफट और फॉर्म फिल करवा के अल्लाह करे कि हम रोशनी रोशनी में वापस आ जाएँ। कल भी जल्दी जल्दी करते करते भी हमें शाम हो गई थी, लेकिन आज हम कल से भी पहले निकल रहे हैं। कल हम निकले थे 3 बजे और आज हम जा रहे हैं 2 बजे, इसीलिए कि बस रोशनी रोशनी में वापस आ जाए। वापस आके डिनर की तैयारी भी करनी होती है। और ये गाइस मेरा वो ड्रेस है जो मैंने गनी की एनिवर्सरी के लिए बनवाया था, तब ये रेडी होकर नहीं आया था, ये मुझे मिला है कल। तो फिर मैं कल स्कूल पहन गई थी। आप गाइस आज भी काम नहीं हुआ, जिसने अटेस्ट किए थे उनके साइन मिसमैच हो गए। और आज तो मैंने इतना शाउट किया, उनके साथ इतनी बहस की है, अच्छी खासी लड़ाई की है, बहुत गुस्सा आ गया। कोई 10वां चक्कर है और हर चक्कर में कोई ना कोई निकाल देते हैं मसला कि ये करके लाएं वो करके लाएं। अच्छी खासी लड़ाई करके आज मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब देखें कल या परसों दोबारा से आऊँगी। आ गए अपनी सोसाइटी के अंदर और बस घर पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन काम हमारा नहीं हुआ तो थोड़ी टेंशन ही भी है। घर चलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, कल स्कूल जाना है इसकी तैयारी करते हैं और देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, एमडी क्या कर रही है। गाइस शाम हो गई है और शाम के खाने के लिए हम लोग बना रहे हैं यखनी वाला बीफ पुलाव। बच्चों को मैंने बना के दिए फ्राइज, अब भूख लग रही थी क्योंकि इन लोगों ने लंच नहीं किया था, तो अभी मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ चाय। ये खा रही है हिबा, हिबा मज़े के, और ये फातिमा है और ये है ईशा। ईशा हेयर कॉम करें अपने फौरन से पहले। ये ईशा फेस वॉश करके और हेयर कॉम करके आ गई हैं। और फ्रेंड्स ये सर का दर्द पता नहीं क्यों नहीं आराम हो रहा है, कैसा फ्लू है वायरल, जो आराम हो जाता है फिर हो जाता है। अभी भी मेरा सारा गला बंद हुआ है, सारा ये नाक माथा सब बंद हुआ है और अंदर ही अंदर जो है वो ज़ुकाम हुआ है। कभी कभी तबीयत बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। अभी बना के पीती हूँ चाय और एक पेनाडोल खाती हूँ, तो देखिएगा उससे कैसी फटाफट तबीयत फ्रेश हो जाएगी और अल्लाह पाक करे कि फिर फ्रेश ही रहे। जी गाइस रात हो गई है और खाना भी हमारा रेडी है, बिरयानी दम पे रख दी है। गनी गया है बस अम्मी को लेके नेट वाले के पास, नेट सुबह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो जैसे गनी आता है खाना निकाल लेते हैं। बच्चों को तो इतनी भूख लगी हुई है, वो खाना खाना कर रहे हैं। और बिरयानी निकाल के आपको उसकी शक्ल भी दिखाऊँगी कैसी बन के तैयार हुई है। वैसे तो मुझे बड़ी मज़े की लग रही है, लेकिन खाने के बाद पता चलेगा कि कैसी है। देखें बिरयानी तैयार हो गई है और शक्ल से तो कमाल चटपटी मसालेदार लग रही है। वैसे भी मैंने खुद भी थोड़ी चटपटी करके बनाई थी क्योंकि गनी जो है उसको खानों में मिर्चे मसाले थोड़े तेज़ पसंद है, तो पुलाव नहीं बनाया था, नमकीन बिरयानी पुलाव नहीं बनाया था, बल्कि मैंने चटपटी बनाई थी। अब टेस्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा मिर्च मसाले तो नहीं हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त मज़ा आ गया, इतना लजीज खाना बना है। किसके साथ हमें किसी अचार की, किसी रायते की, दही की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह ऐसे ही खाया जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं तमाशाला प्लेट फुल भर गई है, सब मेरे अकेले की नहीं है। अभी गनी भी आने वाला है, अलीना भी आ रही है, लेकिन मुझे बड़ी था थोड़ा के टेस्ट करूँ कैसा बना है, तो मैंने एक स्पून टेस्ट किया, अभी वो लोग आने लगे तो हम साथ स्टार्ट करेंगे खाएँगे। ओके डियर फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करेंगे। डिनर हमने कर लिया और कल है वर्किंग डे, जल्दी जल्दी सोने की तैयारी करते हैं और कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में। चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कल मिलेंगे एक ब्रांड न्यू व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।